नमस्कार, मैं भाग्यश्री वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किरीट सोमैया ने संजय राउत पर टिप्पणी करते हुए कहा, संजय राउत कायर और पाखंडी है, मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर नील सोमैया प्रकरण के 57 करोड़ का मांगा हिसाब। पुलिस विभाग की ओर से साइक्लोथॉन प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, जनता और पुलिस के बीच पब्लिक रिलेशन बनाना है प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य। साकरी में सैराट की हुई पुनरावृत्ति, प्रेम प्रसंग के शक के चलते भाई ने की बहन की निर्मम हत्या, घटना से पूरे तालुका में मच गया हड़कंप। विस्तार से किरीट सोमैया ने संजय राउत के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पाखंडी है, मैंने जब उनके घोटाले निकले तब उनकी 14 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने एक बार सेशन कोर्ट और एक बार हाई कोर्ट के नील सोमैया प्रकरण के 57 करोड़ का हिसाब पहले देना चाहिए। उद्धव ठाकरे सिर्फ धमकी देने का काम करते हैं। किरीट सोमैया ने आगे कहा कि पहले उद्धव ठाकरे ने अपने पक्ष पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अपक्ष आमदार पर ध्यान देना चाहिए। उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार की राज्यसभा इलेक्शन में नाक कट गई, वह बचकर रहे काफी आमदार, विधान परिषद चुनाव में उन पर भारी न पड़े, ऐसी प्रतिक्रिया किरीट सोमैया ने दी है। ऐसा है कि संजय राउत तो इतका भीतरा है, ढोंगी है, त्यांनी तक्रारच केली नाहीये, कुठेही नाही गेली। 44,100 कोटीचा घोटाळा, 15,000 कोटीचा ईडी घोटाळा, 2 डझन, एक तक्रार नाही, एक नंबरचे डरपोक आहेत। मी जेवढे घोटाळे काढले, संजय राऊतची 14.5 कोटीची प्रॉपर्टी जप्त झाली, उद्धव ठाकरेचा 19 बंगल्याचा घोटाळा, सगळे किरीट सोमय्यांनी तक्रारी केल्या, कोर्टात गेले, लोकायुक्तांकडे गेले, सगळे पुरावे ठेवले। 57 पैशाचा पुरावा दिलाय का त्यांनी? ज्यांना पहिले जाऊन आणि पोलिसांनी 2 संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरेला, एकदा सेशन कोर्ट, एकदा हायकोर्ट, आणि नील सोमय्याच्या प्रकरणात ऍफिडेव्हिट फाईल केलं, कोणतीही तक्रार नाही, कुठलाही पुरावा नाही, कुठली FIR पण नाही। म्हणून यांच्या प्रश्नाला काय उत्तर द्यायचं? पहिलं कोर्टात 57 कोटीचा हिशोब द्या। मारेगाव तालुका के करणवाडी के 30 वर्षीय प्रशांत अरुण काले ने अपने घर के पास किराने के दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता परिजनों को शुक्रवार 17 जून को रात करीब 9 बजे चला। प्रशांत के परिवार में माता पिता, पत्नी और 5 महीने का बेटा है। कल दोपहर गोंदिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ईडी द्वारा चल रही जांच रद्द करने की मांग को लेकर जिला राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया था। इस जेल भरो आंदोलन में केंद्र सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गोंदिया में कल दोपहर 12 बजे कांग्रेस भोला भवन से जिला राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में ईडी कानून तहत राजीव गांधी को फंसाने के हेतु भव्य विरोध प्रदर्शन कर हजारों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे करते हुए आंदोलन के साथ जयस्तंभ चौक में चक्का जाम कर राष्ट्रपति के नाम SDO को पत्र दिया। इस वक्त पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़, विधायक सहसराम कोरोटे, अमर वराडे, गप्पू गुप्ता, PG कटरे, उषा मेंढे, उषा सहारे, वंदना काले, नीलम हलमारे, विजय बरोडे, योगेश अग्रवाल, आलोक मोहंती, जहीर भाई आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकार ईडी और CBI के माध्यम से विपक्ष को दबाने का काम करती है, उसी की एक कड़ी में हमारे नेता राहुल गांधी जी को पिछले कुछ दिनों से बेवजह परेशान करने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के द्वारा, उनकी टीम बोले तो ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। कि आम्ही बेरोजगार युवकांना रोजगार देऊ, हे तुमचे रोजगार कुठे गेले, ह्या करून लक्ष वळवण्यासाठी, ह्याच्यातून लक्ष बाजूला, जनतेचं लक्ष बाजूला करण्यासाठी आपण काही ईडीची एक छडी दाखवत आहे का? तुम्हाला माहित नाही ह्या काँग्रेसचा इतिहास आहे, तुमचा काय इतिहास आहे, भारतीय जनता पार्टीचा कुठला इतिहास आहे,
एवढी मोठी महागाई पेटून गेलेली आहे. या महागाईच्या विषयी तुम्ही काहीच बोलत नाही, मीडियाच्या समोर महागाई विषयी काही बोलत नाही. अरे डिझेलचे रेट, पेट्रोलचे रेट, गॅसचे रेट, अनेक प्रकारचे आपण संपूर्ण आपला देश होरपडून चाललेला आहे. नागपुर के पुलिस मुख्यालय भवन में पुलिस विभाग की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इस मौके पर पुलिस कमिश्नर उपस्थित थे. प्रदर्शनी में पुलिस के उपयोग में आने वाली सभी औजार रखे गए थे और साथ ही लोगों को ड्रग्स संबंधी जानकारी देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए विविध प्रकार के नशीले पदार्थ भी रखे गए थे, जिसके गुण अवगुणों की जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से दी गई. साथ ही सेल्फी पॉइंट भी रखा गया था, जहाँ लोग पुलिस की वेशभूषा में खुद को देख सके. इस प्रदर्शनी को लोगों का काफी प्रतिसाद मिला है. इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लोगों और पुलिस का पब्लिक रिलेशन बनाना का था. सर्वप्रथम नागपुर साइक्लिस्ट जे हैं, शहरवासी हैं, त्यांचा खूब खूब मनापासून आभार, ज्यांनी एवढा ओव्हरवेलमिंग रिस्पॉन्स या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीला मिळत आहे. रात्री आम्हाला 12:30 वाजता रजिस्ट्रेशन बंद करावं लागलं, पण सायक्लोथॉनचं आयोजन केलेलं आहे, एक रॅली आहे, कम्युनल हार्मोनी, सहिष्णुता, महिला सुरक्षितता, वुमन सेफ्टी आणि ट्रॅफिक डिसिप्लिन हा एक मोठो समोर धरून, आणि त्यानिमित्तानं आम्ही आज इथं एक्झिबिशन आयोजित केलेलं आहे. त्याचं उद्घाटन माननीय सी पी सरांनी केलं. यामध्ये आपण टी शर्ट जे आपण उद्या सर्टिफिकेट देणार आहे आणि मेडल देणार आहे, त्याचं आपण उद्घाटन इथं केलेलं आहे. मैं सी डी आई गंगाधर दंडे बोल रहा हूँ, नागपुर के वार्ड से. मैं अभी हम जानकर देने वाला हुई MP5 यानी कि मशीन पिस्टल गन. मशीन पिस्टल गन यह पश्चिम जर्मनी की, मेड इन पश्चिम जर्मनी की है और ये कंपनी इसकी हेकलर एंड कोच. इसका वहाँ पर लोग खाली मैगजीन, मतलब खाली वेपन है, उसका माप वजन है 2 kg 720 g. और जब मैगजीन भरी जाती है, 30 राउंड भरे जाते हैं उसमें, और इसका माप है जो 3 kg 250 g. और इसकी इफेक्टिव रेंज है 100 meter. बड़ा संस्थेची, NGO ची, शाळेतली सगळी मुलं लोक पूर्ण रोड सेलिब्रेट करणार आहेत. आणि आपलं शहर जे आहे की एक सुंदर शहर आहे आणि एक मिसाल म्हणून आपण या शहरातून देशभरामध्ये, जगभरामध्ये आपण या निमित्तानं घालवू शकतो. हम सब एक है, नेक है, आणि आपल्या शहरातून कुठल्याही प्रकारचा तणाव निर्माण होणार नाही, आणि नक्की आपण कायद्याची अंमलबजावणी इथं करत राहू, कायद्याला सन्मान देत राहू. जय हिंद. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. Thank you.
बाद आपका स्वागत। ओबीसी समुदाय के राजनीतिक आरक्षण के लिए जुटाए जा रहे इंपेरिकल डाटा को चल रहे सर्वे को रोकने की मांग को लेकर पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और यह सर्वे न रोके जाने पर सर्वोच्च न्यायालय जाने की चेतावनी भी दी है। ओबीसी समुदाय के राजनीतिक आरक्षण के लिए इंपेरिकल डाटा को जुटाया जा रहा है, जिससे बांटिया आयोग सदस्य व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अंधेरे में रखा गया है। यह निर्णय राज्य सरकार के ग्रामीण विभाग के सचिव द्वारा लिया गया है। मंत्री छगन भुजबल को इंपेरिकल डाटा समझ में नहीं आया है, इसलिए वह गलत स्टेटमेंट देते हैं। वास्तव में इंपेरिकल डाटा ओबीसी की जनगणना का ही रूप है, यह उन्हें समझना चाहिए। लेकिन उपनाम के ऊपर से गलत तरीके से सर्वे शुरू है, इसे रोका जाए, ऐसी प्रतिक्रिया पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ ने दी है। अगर यह सर्वे नहीं रोका गया तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और यह सर्वे रोकने के लिए न्यायालय को मजबूर करेंगे, ऐसी चेतावनी पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ ने दी है। ओबीसी च राजकीय आरक्षणासाठी जो इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचं काम चालू आहे, हे बांटे आयोगाला अंधारात ठेवून चालू आहे। त्यांच्या कुठल्याही सदस्याला काही कल्पना नाही की अन्नावरून हे जे सर्वेक्षण चालू आहे याची त्यांना सूत्रामही कल्पना नाही। हा निर्णय जो आहे राज्य सरकारच्या ग्रामीण विभागाच्या सचिवांनी घेतलेला आहे आणि हे जे चालू आहे चुकीचं, हे माननीय मुख्यमंत्र्याला सुद्धा अंधारात ठेवल्या जात आहे। माननीय भुजबळ साहेबांना अजून इम्पिरिकल डाटाच कळलेला नाही आहे, त्यामुळे ते असं काही चुकीचं स्टेटमेंट करतात। जर हा टिकला नाही इम्पिरिकल डाटा तर आम्ही गणना करू। जनगणना ही जनगणनाच आहे, त्यांना का कळत नाही? ही ओबीसीची गणना चालू आहे महाराष्ट्रामध्ये, हे त्यांना अजून कळलेलं नाही आहे। आणि त्यामुळे एक तर असं असलं पाहिजे की हे जाणीवबुजून सरकार हे मुद्दाम करते है किंवा त्यांना कळत असेल असेही होऊ शकते, परंतु एकंदरीत हा जो इम्पिरिकल डाटा सरनेम म्हणजे अन्नावानुसार चालू आहे तो ताबडतोब थांबवायला पाहिजे। माझी मागणी आहे की ताबडतोब हा सर्वे थांबवा आणि नव्या पद्धतीने परत मी काही फॉर्म्युला दिलेला आहे, मी काही चार्ट तयार करून दिलेला आहे, प्रोफॉर्मा तयार करून दिलेला आहे, तो सगळ्या मतदारसंघाचा 100% आपण इम्पिरिकल म्हणजे 100% आपण माहिती घेऊ शकतो, त्यामध्ये ओबीसी किती % आहे हे ठरवू शकतो। असं जर झालं नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात हे टिकणार नाही। आणि जर सरकारने हे हा जे सर्वे थांबवला नाही तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन न्यायालयाकडून हा सर्वे थांबवायला सरकारला भाग पडू। कल 10वीं कक्षा का ऑनलाइन नतीजा जाहिर हुआ, जिसमें श्रीराम विद्यालय रामटेक का नतीजा 94.94% रहा। रामटेक स्कूल के वेदांत लेखराम भोयर ने 89% अंक प्राप्त कर वह स्कूल के पहले प्रावीण्य प्राप्त विद्यार्थी बने। इसी श्रृंखला ने अन्य विद्यार्थियों के भी उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिले। दूसरे स्थान पर प्रियांशु सुनील बिसन ने 85.80% प्राप्त किए। हर्षल शंकर राउत ने 85.40% गुण प्राप्त किए। कुमारी नीलाक्षी विजय बंधाते 84.60% गुण प्राप्त किए। चाणक्य दुष्यंत कुंभलकर ने 83.80% अंक प्राप्त कर स्कूल और अपने माता पिता का गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष श्रीमती कांचनताई गडकरी ने सभी छात्रों और शिक्षकों को फोन पर बधाई दी। इस अवसर पर प्राचार्य विजय ठेंगारी ने सभी प्रावीण्य प्राप्त छात्रों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस समय स्कूल टीचर राहुल गवई, नीलिमा लुटे, बबलू यादव, दिनेश टंगल, भारती महाजन, स्टाफ अक्षय पांडे, सुधीर गाराडे, नानाभाऊ वजन घटे मौजूद थे। साकरी तालुका में निजामपुर थाने की सीमा के भीतर सैराट की कहानी को दोहराया गया। धुले के साकरी तालुका में एक दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली घटना हुई, जहां एक 22 वर्षीय बहन को उसके प्रेम संबंध होने के संदेह में पीटकर उसका गला घोटकर मार डाला। इतना ही नहीं, उसी रात उसका अंत्यविधि भी किया गया। पुलिस ने आनन फानन में आरोपी भाई को पकड़ लिया। 24 साल के संदीप रमेश हालोर को शक था कि उसकी बहन पुष्पा का किसी के साथ प्रेम संबंध है। इसी बात पर गुस्सा होकर रात में उसकी पीट पीट कर गला दबाकर हत्या कर दी और उसी रात उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। ऐसी गोपनीय सूचना मिलने के बाद निजामपुर पुलिस की जांच टीम हट्टी गांव क्षेत्र के लिए रवाना हुई और खबर की पुष्टि की। आरोपी संदीप हालोर गाँव में ही मिला। इस बीच पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ पर संदीप ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने दी हुई जानकारी के मुताबिक उसकी बहन पुष्पा रमेश हालोर का एक लड़के से प्रेम संबंध था और उसका भागने का इरादा भी था। इस बात का पता चलने की वजह से हट्टी गांव के पास के शिवमिंडा में गुस्से में आकर उसने उसकी साड़ी की लेस फाड़ दिया
और एक नींबू के पेड़ से बांधकर एक फंदा बनाया। जान से मार डालने के इरादे से उसे धकेलकर जान जाने तक वही खड़ा रहा। सारी घटना के बाद घर जाकर पुष्पा ने खुदकुशी कर ली, ऐसा जताकर उसी रात उसका अंतिम संस्कार किया गया। आरोपी ने कहा कि अंतिम संस्कार के दौरान उसके शरीर के सारे कपड़े और गले में बनी साड़ी लेस को सभी सबूत मिटाने के इरादे से जलाकर नष्ट कर दिया गया। इसके बाद निजामपुर पुलिस ने पूरे मामले को सुलझाते हुए आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है। साकरी कोर्ट ने अब आरोपी भाई को 19 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल दहला देने वाली इस घटना से पूरे तालुका में हड़कंप मच गया है। दिनांक 16 रोजी मला एका गुप्तनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली होती की हट्टीगाव शिवारामध्ये एका मुलाने त्याच्या बहिणीचा खून केलेला आहे। तिला आणि लगेच अंत्यविधीवरून घेतलेला आहे। त्याचा आम्ही तपशीलवार शोध घेतला आणि त्यात असं कळालं की तिथं राहणारा संदीप हालोर म्हणून मुलगा आहे, त्याने जी विवाहित बहीण तिचं 2-3 महिन्यापूर्वीच लग्न झालेलं होतं, तिच्या काही प्रेमसंबंधातून त्याच्यात वादावादी झाली, त्याने तिला गळफास घेऊन मारलं आणि 2 तासातच लोकांना तिने गळफास घेतला असं खोटं सांगून अंत्यविधीवरून घेतलं आणि मग आम्ही त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली, विचारपूस केली आणि त्याने सगळी माहिती दिल्यानंतर त्याला दाखल गुन्हा अटक केलेली आहे। मौसम विभाग ने अंदाजा दिया था कि इस साल मानसून समय पर पहुंचेगा, जिस पर विश्वास रखकर यवतमाल जिले में 13,800 हेक्टेयर पर खेत बुवाई की गई, लेकिन मानसून नहीं आने की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 9,00,000 हेक्टेयर पर खरीफ हंगाम बुवाई की जानी है, उस दृष्टि में किसान विभाग ने नियोजन किया था। ऐसे में किसानों ने बड़े जोखिम में बुवाई शुरू कर दी, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं हुई इसलिए किसानों को परेशानी निर्माण हो गई है। अब बारिश की जरूरत है, लेकिन बारिश को अभी देर है। अपर्याप्त वर्षा के कारण कपास के बीजों का अंकुरण हुआ, बारिश की कमी के कारण अंकुर पीले पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को भरी संकर के संकेत है। पुसद, उमरखेड़, दिग्रस, यवतमाल, रालीगांव, दारवा, अरणी, घाटंजी, पांडरकवड़ा, इन तालुका के किसान परेशानी में पड़ गए हैं। कुएं में पानी होने के बावजूद बिजली आपूर्ति खंडित हो जाने से सिंचाई भी नहीं हो पाती। अब सरकार सर्वे कराकर किसानों को दोहरी बुवाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करे, ऐसी मांग की जा रही है। अपना यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये यावर्षी कापूस, सोयाबीन, तूर, त्याचप्रमाणे इतर पिकांची लागवड 9,00,000 हेक्टरवर करण्याचं आपण नियोजन केलेलं आहे आणि हवामान खात्याने पण यावर्षी चांगला पाऊस पडणार अशा प्रकारचा अंदाज वर्तवलेला आहे। त्याचप्रमाणे BBFने जे सरी आणि वरंबा अशा प्रकारचं हे यंत्र आहे, रुंद सरी आणि वरंबा पद्धत याच्यामध्ये तयार होते आणि वरंब्यावर पेरणी केल्यामुळं आपल्याला जर जास्त पाऊस आला तरी जास्त पावसामुळं काय होतं की जे ज्यादाचं पाणी आहे ते सरीमधून निघून जातं आणि कमी पाऊस जरी आला तरी बेडवर पाणी पडल्यामुळं ते आपल्याला कमी पाण्यात पण पीक चांगल्या प्रकारे येऊ शकतं। त्याच्यामुळं हे रुंद सरी वरंबा पेरणी यंत्र आहे, म्हणजेच BBF जे पेरणी यंत्र आहे, त्याचा उपयोग करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यावर्षी पेरणी करावी। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य के निर्देशालय द्वारा बीड में शायरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख इनकी संकल्पना से यह महोत्सव हो रहा है। आदिवासियों के नृत्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, आदिवासियों के विविध नृत्य की इसमें प्रस्तुति की गई। इस शायरी संध्या कार्यक्रम में शायरी और पोवाडो को प्रस्तुत किया गया, जिसका बीडकरों ने आनंद लिया। नमस्कार, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे मी बीडमधल्या सगळ्या रसिक प्रेक्षकांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। या ठिकाणी आमच्या सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री अमित विलासराव देशमुख साहेब, सांस्कृतिक राज्यमंत्री श्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर साहेब आणि आमचे माननीय सचिव, या तिघांच्या संकल्पनेतून बीड इथं शाहिरी महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे। 3 दिवसीय हा शाहिरी महोत्सव बीडमध्ये रंगणार आहे। सगळ्या रसिक प्रेक्षकांनी यांचा आस्वाद घ्यावा। आणि ह्या शाहिरी महोत्सवाचं वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदाच आपण शाहिरी महोत्सवामध्ये अन्य काही कला ह्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करत आहोत, सादरीकरण करत आहोत, जेणेकरून रसिक प्रेक्षकांना एक आगळा वेगळा अनुभव आस्वाद मिळेल। तो अभी दोपहर की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।